हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। अब काफी जॉब्स आ गई हैं जी। देखिए, ये जो 2 से 3 मंथ्स हैं थोड़ा सीरियस रही है, ठीक है। 2 से 3 महीने अब ये मत प्लान करें कि होली पार्टी कहाँ करनी है, ठीक है। आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए जिसकी जीरो प्रिपरेशन भी है, डे वन, आज डे वन मान के चल रहा हूँ मैं, तो वो भी बंदा पेपर क्रैक कर सकता है। किसकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी है और अगर अब आके वो लीनियंट हो गया या थोड़ा कैजुअल हो गया तो उसकी सिलेक्शन रह भी सकती है, तो इन दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हेडिंग पाई है स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस, राइट अनिल जी। करंट अफेयर की वैसे डेली लाइव करते हैं यूट्यूब पे, वो सेम ही है। प्लस आपकी ऐप के ऊपर भी 10 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो वो जो 10 ऑब्जेक्टिव्स अगर आप वो फॉलो करोगे तो करंट अफेयर ज्यादातर हिमाचल में बहुत आए हैं। प्लस जो भी पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पीसीएस का पेपर लिया था काफी आगे, तो पीपीएससी का पेपर भी, जेई का पेपर भी कौन ले रही है, पीपीएससी ले रही है, तो करंट अफेयर एक्सपेक्टेड है। तो करंट अफेयर्स प्लीज रोज आपको वैसे भी यूट्यूब पे जाके लाइव करवाए जाते हैं, जगप्रीत सर कराते हैं। प्लस अगर आपके पास वो टाइम भी नहीं होता तो ऐप के ऊपर देख सकते हो डेली के करंट अफेयर्स आते हैं, ठीक है। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज दोनों लैंग्वेजेस में है, आप दोनों में से चूज कर। हाँ जी, आयुष पे भी हो जाएगा। हाँ जी, आयुष पे जाके आपको मैं बता दूंगा प्रोसेस, आयुष पे कैसे एक्सेस करना है, वो भी हो जाएगा, आपका ऐप के थ्रू ही एक्सेस हो जाएगा, ठीक है जी। स्ट्रक्चर एनालिसिस, क्योंकि एप्पल ने थोड़ी रूलिंग अलग करी हुई है, अब वो क्रेडिट कार्ड काफी चीजें मांग लेता है, तो इसलिए उसका हमने दूसरा तरीका निकाला हुआ। और जब आप चीज डेली अपडेट करते हो और जहां पे स्टूडेंट फुटफॉल है तो एप्पल उसमें काफी वो रहता है, राइट। स्ट्रक्चर एनालिसिस अगर मैं बात करता हूँ बहुत कम आती है। बीएनडीआर में पहला सब्जेक्ट स्ट्रक्चर दे रखा है, चंडीगढ़ की जॉब है, सबने फिल करना स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है जी। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से गेट की भी अगर हम बात करें तो इससे ना जो क्वेश्चन है ना वो एक या दो ही एक्सपेक्टेड है। हाँ जी, जितने ज्यादा सोम से आते हैं उतने कम स्ट्रक्चर से आते हैं, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चन सोम से आते हैं उतने कम स्ट्रक्चर से आते हैं, बट एक दो क्वेश्चन भी हमें ऐसे होते हैं, क्योंकि सोम जब पढ़ रहा होता है बंदा कई बार डिमोरलाइज हो जाता है, यार इतनी चीजें हैं उसमें, इतने पैरामीटर्स हैं, उसके बाद आरसीसी होती है, स्टील होती है, तो एडवांस स्ट्रक्चर तक पहुंच नहीं पाता। तो हम इस बार उल्टा कर रहे हैं, एडवांस स्ट्रक्चर आपको पहले बता देते हैं, यार ये पार्ट तो पढ़ने हैं बस, ये बेसिक पार्ट है और यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो एडवांस स्ट्रक्चर है इसमें ना लेंथ ही बहुत है न्यूमेरिकल्स, तो लेंथ ही न्यूमेरिकल्स हमें ऑब्जेक्टिव में पूछने मुश्किल होते हैं। तो उसमें से जो एक दो में से जो एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा, तो आज मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन पक्का ही आने वाला है, पहले ही मुझे पता लग गया, आज की क्लास कर ली तो वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। जितने हम आज केसेस करेंगे बस आपको देखना है कि कैसे उसको हमें सॉल्व करना है पेपर में। तो क्या होता है, सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन आता है हमेशा, दैट इज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। कल मैं आपको बाकी टॉपिक्स बताऊंगा, बट आज हम ट्राई करेंगे कि इसी क्लास में हम क्या करें, एक नंबर अपना पक्का कर लें। अब डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स में ना बड़े मेथड है। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है भाई, मेरा ये हाथ है, अब ये क्या बन गया केस, ये हो गया लोड, और ये क्या बन गया कैंटिलीवर, ये क्या बन गया कैंटिल। अगर मैं काफी देर तक हाथ ऐसे रखूंगा तो मेरे क्या होगा, हाथ नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो नीचे जाएगा, डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगी, दैट इज माई फ्री एंड, ये मेरा हाथ फ्री है ना, डिफ्लेक्शन कहाँ होगी, फ्री एंड, ठीक है। छोटे होते स्कूल में खड़ा देते हैं ना ऐसे करके, अब दर्द कहाँ पे होती है, यहाँ पे दर्द होनी स्टार्ट होती है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, ये मेरा एंड क्या है, फिक्स्ड है। तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगी सबसे ज्यादा, फिक्स पे, क्योंकि दर्द कहाँ हो रही है, यहाँ, बट मेरा हाथ गिरेगा कहाँ से नीचे, तो इसका मतलब क्या, डिफ्लेक्शन कहाँ होगी मेरी, फ्री एंड में। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कह दिया भाई तुम देखो डिफ्लेक्शन फ्री एंड पे हो रही है, बड़े मेथड दे दिए, मूवमेंट एरिया मेथड दे दिया, यूनिट मेथड दे दिया, फिर उसके बाद स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड दे दी, ठीक है, हार्डी क्रॉस मेथड दे दिया, काफी मेथड्स दे दिए। अब पेपर में क्या है ना, आजकल पेपर में ना टाइम कंस्ट्रेंट बहुत बड़ा फैक्टर आने वाला हो गया। मतलब पहले क्या होता था, आपके पास टाइम अच्छा खासा होता है, चलो जी आपने सॉल्व कर लिया, अब क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, अब आपको डायरेक्टली शॉर्टकट में पूछा जाता है, अब इसके बीम की डिफ्लेक्शन बता दो कितनी होगी,
अब उसमें आप मूवमेंट एरिया लगाने लगे, यूनिट लोड लगाने लगे, तो उसमें क्या करना, आपको ग्राफ बना के फिर उसका एरिया निकालना पड़ता है। एरिया इंटू सीजी करते हो क्या आ जाते हैं जी, डिफ्लेक्शन आने स्टार्ट होती हैं। तो हम इतना बड़ा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे अभी इसको माइंड में बिठाएंगे कि यार अगर कैंटिलीवर हुआ तो ये डिफ्लेक्शन है और ये स्लोप है, ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला केस कैंटिलीवर का ही लेके चलते हैं। और फ्री एंड पे एक लोड लगा देते हैं, फ्री एंड पे एक लोड लगा देते हैं। एक चीज बना दी स्लोप और एक बना दी डिफ्लेक्शन, मतलब ऐसे कुछ डिफ्लेक्ट करेगा ये, तो ये जो चीज है मेरी ये क्या होगी, डिफ्लेक्शन। और यहां से कुछ एंगल बनेगा थीटा, वो क्या बन गया मेरा, स्लोप। पेपर में हमेशा अभी तक हमने जितने देखे सब में डिफ्लेक्शन है, गेट में स्लोप पूछ ली जाती है, ये तो गेट वाले स्टूडेंट उसका ध्यान रखेंगे कि स्लोप कहाँ पूछी जाती है, अदरवाइज 90% पेपर्स में डिफ्लेक्शन। तो इसके पहले मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन आएंगे कैसे, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पूछ लेंगे, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन फॉर अ कैंटिलीवर बीम अप्लाइंग लोड एट फ्री एंड। दूसरा क्या पूछ लेते हैं आपसे, एक वैल्यू दे देंगे न्यूमेरिकल में कैसे आएगी, यहाँ पे 5 दे दिया, यहाँ पे लेंथ दे दी और कह दिया इसकी डिफ्लेक्शन बताओ। थर्ड, उससे अगला स्टेप, उससे अगले स्टेप में क्या कर देंगे जी, कंपैरिजन दे देंगे, भाई अगर आपकी डिफ्लेक्शन ऐसे होगी ठीक है कैंटिलीवर में, तब डिफ्लेक्शन कितनी होगी, अगर इस पे यूडीएल लग जाएगा तब डिफ्लेक्शन कितनी होगी, प्लस इन दोनों की रेशियो क्या होगी। तो ये तीन चार तरीके से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें चार पांच तरीके के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो ये स्लोप होगी, ये लोड हो गया, ये डिफ्लेक्शन होगी। तो चलिए जी पहले स्लोप लिखते हैं इसकी, डब्ल्यू एल स्क्वेयर अपॉन ई आई, इसको हम पी कर सकते हैं, अभी डब्ल्यू की जगह यहां पे क्या है, पी है। एल क्या हो गया मेरा, स्पैन, ई क्या है मेरा, यंग्स मॉडुलस, आई क्या है मेरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या है मेरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ई क्या है मेरा, यंग मॉडुलस, आई क्या है मेरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ जी हरमनदीप जी, कहीं बार सोम का पार्ट कहा जाता है, कहीं बार स्ट्रक्चर का, ठीक है, तो दोनों में यूज करते हैं। आपको ये याद रखनी है, पी एल क्यूब अपॉन, सॉरी, पी एल क्यूब अपॉन 3 EI, ई क्या होता है, यंग मॉडुलस, 2 × 10^5 होता है, आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो आप सोम में पढ़ते हैं, जनरली एक इस बीम का बता देते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये बी है, ये डी है और यहां कट कर रहा है, तो आई एक्स एक्स में क्या हो जाएगा, बी डी क्यूब बाय 12, पी एल क्यूब अपॉन 3 EI। फिर सेकंड, अगर इसी कैंटिलीवर के ऊपर मूवमेंट लग जाए इस तरह से, एम अगर मूवमेंट लग जाए, अब क्या समझ रहे हैं हम, एंड में क्या लग रही है मूवमेंट, यहां पे क्या लग रहा था, कॉन्सेंट्रेटेड लोड, तो एम एल अपॉन ई आई क्या हो जाएगी इसकी स्लोप। एम एल स्क्वेयर अपॉन 2 EI, एम एल स्क्वेयर अपॉन 2 EI। फिर थर्ड इसी के ऊपर केस क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड लग गया मूवमेंट, अब थर्ड क्या लग सकता है, यूडीएल ऐसे लोड लग गया। अब यूडीएल के केस में ये क्या हो जाता है, डब्ल्यू, और ये क्या हो जाता है, एल। डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 EI, डब्ल्यू एल फोर अपॉन 8 EI, डब्ल्यू एल फोर अपॉन 8 EI। तो पता लग गया स्लोप और डिफ्लेक्शन। अब मैं आपको टिक करूंगा कि पेपर में क्या पूछा जाता है, पेपर
पेपर में आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, डिफ्लेक्शन पूछी जाती है कॉन्सेंट्रेटेड के केस में, और रिफ्लेक्शन पूछी जाती है यूडीएल के केस में। डिफ्लेक्शन पूछी जाती है कॉन्सेंट्रेटेड केस में, रिफ्लेक्शन पूछी जाती है हाँ जी, नहीं यूवीएल दे लोड नहीं, ठीक है, सिर्फ आ तीन केसेस करने, इधर दो केसेस दे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आपने बोल दी है तो एक बार लिख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कोई बच्चा बोल देता है ये केस और पेपर में आ जाता है, वैसे कम एक्सपेक्टेड, फिर भी मैं लिख देता हूँ। यूवीएल क्या होता है यहां से देखिएगा, यूवीएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड। अब क्या होता है, यहां से लोड होता है कम, बढ़ता बढ़ता ऐसे हो जाता है, इस केस को क्या बोला जाता है, यूवीएल। ठीक है जी, क्या हो रहा है, एक जगह से कम हुआ, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और ऐसा केस। आपने मुझे अभी चारों केसेस के एग्जाम्पल देने हैं। कॉन्सेंट्रेटेड लोड का कोई एग्जाम्पल दे सकते हो, कैंटिलीवर में या वैसे भी कहीं पे भी? हाँ जी, ये तो हो गया स्ट्रक्चर में, जो बालकनीज होती हैं, बालकनीज में क्या होता है, ठीक है, एंड की अगर हम बात करते हैं बालकनी की, तो वो भी क्या हो रहा होता है आपका, कैंटिलीवर का केस होता है, छज्जा होता है, बालकनी छज्जे की बात कर रहे हैं। ठीक है, यूवीएल अगर पूरे उसमें से आपने सामान रखा हुआ है हर जगह पे, तब, या आपके जो स्टोर्स होते हैं, आजकल क्या करा जाता है, बालकनी को क्या करते हैं, बालकनीज को कवर अप कर देते हैं, कवर अप करके घर पे क्या यूज करने लग जाते हैं, स्टोर यूज करने लग जाते हैं, तो वो हो गया। हाँ जी, आ जाता है जी पेपर में, जेडीजी जेई में भी आ जाते हैं क्वेश्चन, तो इसका लिख लीजिए डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 EI। WL4/30 EI, मूवमेंट क्या होता है कई बार ना, जैसे सेकेंडरी बीम्स का एग्जांपल ले लेते हैं। सेकेंडरी बीम्स क्या होते हैं, जैसे हम यहां समझते हैं, देखिए ये मेरा कॉलम है, ये एक बीम जा रही है, ये एक कॉलम है, ये एक बीम जा रही है, और ये भी एक बीम होगी, ये भी एक बीम होगी, और यहां पे क्या हो गया कॉलम, और यहां पे भी क्या हो गया कॉलम। अब ये सारी बीम्स क्या कॉलम के ऊपर है, बट अगर मैं कोई बीम यहां पे बना दूं, भाई अब तो इसके नीचे कोई लोड नहीं है, तो वहां पे मूवमेंट रिलीज करनी पड़ती है। ये केसेस टैड में भी आते हैं, ये केसेस टैड में भी होते हैं, जब स्पेशल हम करते हैं। कई बार क्या होता है, वैसे तो हम ट्राई करते हैं यहां पे भी कॉलम हो जाए, ये शोरूम ही बन गया मेरा, बट कई जगह पे ना आप देखोगे सीधी बीम डाल देते हैं, तो जब उसके एग्जैक्ट एनालिसिस करने पड़ते हैं स्टैट ब्रो में, तो वहां पे एक ऑप्शन आती है टू रिलीज द मूवमेंट्स, तो यहाँ पे मूवमेंट्स आएंगे, क्योंकि ये ट्रांसफर तो हो नहीं रहा, ये तो किसके ऊपर कर रहा है, अगली बीम के ऊपर कर रहा है, बीम क्या कर रही है, आगे कॉलम पे करेगी, तो ऐसा कुछ केस हो जाता है। तो एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द, हाँ जी हाँ जी, यूवीएल क्या होगा, आप यूवीएल के केसेस जनरली पहाड़ों पे देखते हो, ठीक है, पहाड़ों पे क्या देखा जाता है भाई, यार ऐसे जाते हैं ना पहाड़, और ऐसे में स्ट्रक्चर के नीचे क्या लोड आ रहा होगा, तो वो आप इसमें देखते हो, ये आपके पास केसेस कहीं भी आ जाए, आप ऐसा भी बना सकते हो, नहीं उसमें अलग हो जाएगा, केसेस कहीं भी आ सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन लिखिए। हाँ जी हाँ जी, आप काइंड ऑफ कह सकते हैं कि हाँ जी हॉस्पिटल के भी उसमें। संदीप बराड़ जी कह रहे हैं जी कंफर्म है कि वैल्यू आ ही आन गया, ये कंफर्मेशन तो कैसे दिन है, बट बाय एक्सपीरियंस हैगा भी, हाँ यार आ दो वैल्यूज ही आन गया। ठीक है, हाँ जी गुलशन जी, चेंज हो सकती है, कोई नहीं, एमओआई हर बीम के केस में सेम रहेगा,
हाँ जी, जब तक आप निखिल जी ऐसे कट कर रहे हो तब तक हर केस के सेम रहेगा। जिसको आप कट करोगे उसका क्यूब करोगे फॉर रेक्टेंगुलर। आगे आप ट्रायंगल के लिए अलग हो जाता है, सर्कुलर के लिए अलग हो जाता है, पाई डी 4/64, ऐसी चीजें आ जाती हैं। चलिए यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन अ, फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन अ कैंटिलीवर बीम, इन अ कैंटिलीवर बीम कैरिंग पॉइंट लोड, इन अ कैंटिलीवर बीम कैरिंग अ पॉइंट लोड 10 किलोन्यूटन एट फ्री एंड, 10 किलोन्यूटन एट फ्री एंड एंड स्पैन ऑफ द बीम इज, एंड स्पैन ऑफ द बीम इज 3 मीटर। लिए जो भी आ रहा है ट्राई करिए, सही गलत से फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ जी, हाँ जी, वो तो आप जिस यूनिट्स में डाल रहे हो ना उसी यूनिट्स में आएंगे। स्लोप तो निकालनी, डिफ्लेक्शन निकालनी है, मीटर में ही आएगा आपका। अच्छा नहीं, ये वाली चीज तो एमएम में आएगी, आप आई और ई डालोगे ना। यही है फॉर्मूला। वैसे क्या करते हैं हम इसको ना, इसके शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, फिर शियर फोर्स डायग्राम के एरिया कैलकुलेट करते हैं, वो आपका वो आ जाता है। एरिया इंटू सीजी करोगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो वहां से आएगा। यही कांस्टेंट रहेगा, यही कांस्टेंट रहेगा। चलिए देखिए क्या दे रखा है केस मेरे पास भाई। लोड दे दिया 10 किलोन्यूटन। आपको ना ऐसी वैल्यूज आएंगी जो विदाउट कैलकुलेटर या कैलकुलेटर के थ्रू गेट में हमारे चल जाएगा, गेट वालों के लिए डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी, बस ये फर्क होगा। तो अब देखिए अगर इसकी वैल्यू में क्या हो रहा है, पीएल क्यूब अपॉन पी कितना है अब 10, एल कितना है 3 का क्यूब है, और 3 ही आई। अब 3 3 कैंसिल होके क्या रह जाएगा यहाँ पे स्क्वेयर, तो ये क्या हो गया 9 90 अपॉन ई आई। वैसे ई के यूनिट क्या होते हैं अगर मैं आपको बताऊं, ई क्या होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वेयर, न्यूटन पर एमएम स्क्वेयर, ठीक है। बट ई आई आपको अगर गिवन आएंगे तभी आप एमएम स्क्वेयर और सब कुछ न्यूटन में करोगे, अभी आप डायरेक्टली चलोगे, ठीक है। इस तरह से निकालना है 9, और ई आई कई बार आपको पेपर में नहीं आएगा, ई आई कॉन्स्टेंट ही दे देंगे, ई आई कॉन्स्टेंट दे देंगे। चलिए अब ये था मेरा पहला केस। अब दूसरा केस कौन सा आया जिसमें हमारे पास आगे जी, दूसरे केसेस से हम डिफ्लेक्शन ही याद रखेंगे, तो देखते हैं। यहां से समझते हैं सेकंड क्या हो गया भाई, ये भी अब ये क्या है मेरे सिंपली स्पॉटेड। तो सिंपली स्पॉटेड चलो डब्ल्यू से याद कर लेते हैं, तो सिंपली स्पॉटेड में बीच में लोड लग रहा होगा, तो ये क्या होगा L/2, और ये भी क्या होगा L/2। पहला केस। अब इसकी स्लोप और डिफ्लेक्शन, पहले तो डिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है काफी, चलिए दोनों ही लिख लेते हैं। अब इस केस में सिंपली सपोर्टेड बीम्स लिख लीजिएगा, WL² अपॉन 16 EI
डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 EI, ठीक है जी। अगला केस इसका यूडीएल लगा दिया W, तो उस केस में हो जाता है WL क्यूब अपॉन 24 EI 5/384 ई आई। देखिए ये दो वैल्यूज फिर इंपॉर्टेंट है, चलिए अगला केस देखते हैं। एक केस में क्या हो जाएगा, थर्ड केस में भाई, अगर ये जो लोड है इधर उधर हो जाए, मतलब सेंटर में ना हो, या लेफ्ट पे हो या राइट पे हो, तो उसको W कर लेते हैं, और यहां से क्या कर लेंगे A, और यहां से क्या कर लेंगे B। अब इसकी जो स्लोप है ना अलग अलग होती है, देखिए एक स्लोप यहां बनती है थीटा ए, एक स्लोप यहां बनती है थीटा बी। यहां तो सेम था, यहां पे भी सेम था, बट यहां पे थीटा ए की स्लोप क्या हो जाएगी अलग, और थीटा बी की क्या हो जाएगी अलग। तो थीटा ए लिखिए क्या होगा, एक मिनट, लिखिए डब्ल्यू बी। स्लोप कम पूछी जाती है, काफी बड़ा इसका फॉर्मूला भी, 3 EI एल, एल क्या होगा पूरा स्पैन, इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी। यहां डब्ल्यू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर अपॉन 3 EI L, 3 EI L। और इस पार्ट को क्या बोला जाएगा, एल माइनस ए भी बोल सकते हैं ना जी। देखिए पूरा क्या है, एल है, ये ए है, इसको बी को क्या बोल सकते हैं, एल माइनस ए। हाँ जी, सिर्फ बी की जगह ए हो जाएगा, ऐसे चेंज हो जाएगा, बी स्क्वेयर माइनस बी ए हो जाएगा। हाँ जी, बट थीटाज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कम पूछे पे जाते हैं, पेपर में कम ही आते हैं, और पेपर में मैं एक्सपेक्ट भी नहीं है कि आएंगे। आऊंगा जी, मैं कर ही देता हूँ। यहाँ पे W, जैसे अगर थीटा ए है तो थीटा बी अगर बात कर रहे हैं, W ए अपॉन 3 EI L बी स्क्वेयर माइनस ए बी, ये नोट कर लीजिएगा।
ठीक है जी, कर लिया नोट। हाँ जी, सेंटर पे ही है जी डिफ्लेक्शन। गुलशन जी, इस पे सेंटर में ही है डिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ पे आपकी अगर हम बात करें तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, अगर आपने कभी इसका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया होगा तो जहाँ भी आप देखोगे सिंपली सपोर्टेड है ना, वहां जीरो पे जाके एंड होती होगी। कोई भी केस देख लिया आपने, यूवीएल यूडीएल, तो यहाँ जीरो होती है। ठीक है, तो अब इसमें डिफ्लेक्ट क्या करेगा, ऐसे ही करेगा, यहां से डिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा, ये भी ऐसे ही डिफ्लेक्ट करेगा, सेंटर से ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। अब क्या होता है, अगर हम बात करते हैं यहीं से एक स्पेशल केस ले लेते हैं, ये दो वाले पार्ट में, इसके आगे एडवांस में। ठीक है, ऐसे डायग्राम्स तो काफी हो जाएंगे अगर हम बना लेंगे तो, सेंटर में मूवमेंट लगा सकते हैं, बट जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भाई, अब यहां पे क्या करते हैं हम, सपोर्ट्स को चेंज कर देते हैं। सपोर्ट्स क्या कर देते हैं भाई, फिक्स्ड। देखिए जैसे ही फिक्स सपोर्ट आएगी ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होती है। तो मैंने एक पॉइंट आपको बताना है कि जब भी कुछ इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे, इसका बनाओगे, ऐसे होता है वैसे, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ एंड्स पे क्या होगा, जीरो होगी हमेशा बेंडिंग मोमेंट। तो इसलिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर हमेशा क्या होते हैं, इसमें जीरो होते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर का मतलब क्या है, वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। देखिए थोड़ा सा सब्जेक्ट वो है, डिफिकल्ट है, बट समझिएगा। कॉन्ट्रा फ्लेक्चर पॉइंट क्या होता है, जब बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करती है। हमें सीधा देखना है जहां पे भी ये निशान दिख गया ना सिंपली स्पोटेड का, वहां पे कॉन्ट्रा फ्लेक्चर पॉइंट कितने होंगे, जीरो। अच्छा जी, आउट ऑफ फ्रेम हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा अभी उन्हें ड्रॉ ही नहीं करा, इसको इधर कर दूंगा ड्रॉ करके। ठीक है, कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। अब देखिए ये वाला मैंने ना इसे यहां पे बना देता हूं, ये देखिए ये वाला केस पूछा जा रहा है। अब यहां पे क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। अब फिक्स्ड होने के कारण जब हम कल पढ़ेंगे ना फिक्स्ड वाला केस, तो फिक्स्ड वाले केस में क्या पढ़ेंगे हम, के आई एस आई पढ़ते हैं, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो अगर मैं इस फ्रेम की बात करता हूं, यहां भी फिक्स है यहां भी फिक्स है, और केस कौन सा ले लेता हूं, यही। अब अगर हम आपसे पूछा जाए आपको भाई इस केस में डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी या इस केस में डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, देखो जो फिक्स्ड है ना वो हिलने नहीं देगा चीज को, ये फिक्स्ड है ये हिलने नहीं देगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि हिलने नहीं देगा। और जो फिक्स्ड में क्या होता है, जब हम कल पढ़ेंगे, तीन रिएक्शंस होती हैं, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट को भी रोकता है। तो भाई ये तो मेरा मूवमेंट होने नहीं देगा और ये मेरा मूवमेंट होने दे रहा है भाई, तभी तो क्या कह रहा है कि हाँ जी हो जाए। तो भाई इसमें डिफ्लेक्शन कम होगी। आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है भाई कितने टाइम्स कम होएगी, ये क्वेश्चन आता है, एज कंपेयर टू सिंपली सपोर्टेड विद कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट सेंटर द डिफ्लेक्शन विल बी लेस हाउ मेनी टाइम्स इफ द सपोर्ट्स आर चेंज विद फिक्स्ड। तो अब क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ये सिर्फ हटा के क्या कर दिया, ये लगा दिया, तो भाई कितने टाइम हो जाती है, 1/4 टाइम, 1/4 टाइम रिड्यूस हो जाती है। तो मैं 1/4 टाइम इसको कर दूं तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, तो WL³/192EI, ये याद रखनी है, इसकी स्लोप्स नहीं याद रखनी, सिर्फ हमने ये कैसे याद रखना है। तो कितना हो गया, WL³/192EI, स्लोप भी कम होगी बट आपको एग्जैक्टली लिखने की जरूरत नहीं, फिर वो बड़ा होता रहेगा आपके लिए काम, राइट। अभी आप ये याद रखेंगे 192 है। तो ऐसे ही अगर दूसरा केस हो जाए,
यूडीएल लगा दे तो पहले आप मुझे बताइए डिफ्लेक्शन कम होगी या ज्यादा होगी। कम होगी तो मैं आपको ना ऑब्जेक्टिव याद करा रहा हूं साथ साथ। आपसे पूछा जाता है कैंट उसमें डिफ्लेक्शन फिक्स्ड बीम्स में ज्यादा होती है या सिंपली स्पोटेड में, तो हमें पता लग गया भाई सिंपली स्पोटेड में ज्यादा। तो यहां पे कितने टाइम्स हो जाएगा, यहां पे याद रखिएगा सिंपली स्पोटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड लोड के केस में 1/4 होता था, यहां मुझे क्या दिख रहा है 5, तो यहां क्या होगा 1/5 टाइम्स ऑफ 5/384 ई आई, तो कितना हो जाएगा, यहाँ डब्ल्यू भी आएगा, डब्ल्यू एल 4/ ई आई, तो 5/5 कट के रह गया क्या नेट पीछे 5WL4/384 ई आई, 5WL4/384 ई आई, सॉरी 5 हट जाएगा, 5 ये रह जाएगा। हाँ जी देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना किसी भी मेथड से तो हमारा आंसर ये निकलेगा, ये चीज WL³/192। तो जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तब मुझे पता लगा कि ये 1/4 हो रही है। ठीक है, जब मैं ये सारे कैसे निकलते हैं बाय फॉर्मूलाज हम इसको निकालते हैं, जैसे इसका मैं शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद क्या करूंगा उसकी प्लॉटिंग से एरिया निकाल लूंगा, एरिया इंटू सीजी करूंगा, तो मेरे पास अगर एरिया अकेला निकाल लूंगा तो मेरे पास स्लोप आ जाएगी, और 1/EI सब में कर देना स्लोप आ जाएगी, अगर मैं उसकी एरिया इंटू सीजी करूंगा तो मेरे पास डिफ्लेक्शन आ जाएगी। तो ऐसे में जब सब मेथड्स में लगाता हूँ तो मेरा ये आंसर आता है। मैंने आपको ऑब्जेक्टिवली बता दिया भाई 1/4 हो जाती है 1/5, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में ये चीजें पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव में आपसे ये चीजें पूछी जाती हैं, एरिया इंटू सीजी और एरिया कल्ला स्लोप यही करते हैं सर। बना लिया जी डायग्राम सारे, बना लिए, लिख लिया, कर दो इरेज कर लीजिए। क्लियर, चलिए अब रब कर रहा हूं। अब चैलेंज क्या आपके लिए, हाँ जी चेतन जी अभी क्वेश्चन ही रिपीट करूंगा, कोई बात नहीं अभी इसके बाद क्वेश्चन रिपीट करूंगा आपको कैसे पूछते हैं। अब चलिए लिख लिया, कॉपी भी हमने काली कर ली सारी, चलिए जी जाके पढ़ेंगे, अब उससे रिजल्ट नहीं आने वाला, हम इसको अभी याद करेंगे जो मेन मेन केस है ना इसको अभी याद कर लेंगे, अगर मेरे को अभी अभी याद हो गया वो जो मेन मेन केस है मेरा आधा काम खत्म हो गया। क्यों, हमें मुश्किल सब्जेक्ट इसलिए लगता है हम पढ़ते रहते हैं कॉपी में लिखते रहते हैं और एलेबोरेट करते रहते हैं, बाद में याद करने का टाइम नहीं निकलता, तो इसको हम अभी यही याद करेंगे, मेन मेन केस याद करेंगे, वही मेरे को पेपर में आने हैं वही आपको देखेंगे तो सही हो जाएगा। जेडी सिंह जी सर इरिगेशन बीटेक वाला कोई हल होया, कि बीटेक इरिगेशन में बीटेक वाले अलाउड नहीं करे हैं, पता नहीं डिपार्टमेंट को क्या चक्कर हो रखा है, आज मेरी इरिगेशन डिपार्टमेंट में मीटिंग है चीफ इंजीनियर और उसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, प्लस आप लोग भी अपनी एंड पे भी देखिए क्या काम कर सकते हैं, हमने कुछ ईमेल आईडीज दी थी पीपीएससी, उस पर आप मेल कर दीजिए कि इफ यू आर अ बीटेक होल्डर कि काइंडली एलिजिबल अस फॉर दिस एग्जाम, नहीं तो मैं स्टैंडर्ड वर्डिंग दे दूंगा जो हमने बना रखी है वो आप सब में डाल दीजिए, क्या आप बता मेल डालने से ही आपको अलाउ कर दिया जाए, आज एक बार मिल भी आएंगे हम उनसे अगर एक बार पूछ लेंगे, नहीं तो फिर सेकंड तरीका तो है ही है, बट फिर सेकंड पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा था फर्स्ट वाले से ही हो जाए, ठीक है ये चीज है। चलिए तो सारे मेरे को पहले सेकंड पे ही पुश कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट से ही हो जाए तो ठीक है, चलिए। हाँ जी हाँ जी
चलिए कोई ना, वो भी तैयार है, ये भी, अगर ऐसे आज एक बार मीटिंग कर, क्योंकि देखो नॉर्मल है, पीपीएससी वाटर सप्लाई का पेपर ले रही है, दिसंबर में नोटिफिकेशन आई है जी, बीटेक भी लिखा है, डिप्लोमा भी लिखा है दोनों। अब आपने पीपीएससी सेम पेपर कंडक्ट कर रही है, और दोनों एजेंसीज क्या है, अच्छी रिप्यूटेड है, इरीगेशन भी डिपार्टमेंट, ये सब गवर्नमेंट कोर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आ जाता है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन भी है। फिर पहले तो इन्होंने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भी डाल दिया था, फिर सवेरे सवेरे बात हुई, अच्छा वो गलती से डल गया, चलो वो तो हट गया, फिर हमने कहा ये भी गलती है, कह रहे नहीं ये गलती नहीं है, तो इंटेंशन ही नहीं है, तो अब क्या करें, अभी अभी पीपीएससी इसमें कुछ नहीं कर सकता, बट फिर भी अगर ज्यादा लोग आप मेल्स करोगे तो एक प्रेशर बना रहता है कि हाँ यार ये कुछ ऐसा हो सकता है, तो मेल्स डाल दीजिए। हाँ जी, बता देंगे जी, बता देंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अब माइंड आपका फ्रेश हो गया, अब फटाफट से हम स्टार्ट करेंगे जी। देखिए क्या होता है, जो मेरे पेपर में पूछना है मैंने वो ही याद रखना है, सबसे पहले पी से स्टार्ट है और ये क्या एल है, तो बताइए क्या होगा इसकी डिफ्लेक्शन। देखिए कैंटिलीवर से क्या याद कर लीजिएगा, क्यूट, सी फॉर कैंटिलीवर, सी फॉर क्यू और सी फॉर क्यूब, तो जैसे आपको सबसे पहला केस दिखेगा उसमें क्या होगा, क्यूब, तो पहले क्या हो रहा है पी, तो बता आपको एल भी बता, बस वहां पे ये नहीं याद रहता कि क्यूब आएगा या स्क्वायर आएगा या वो, तो क्यूट से क्या याद रखोगे, कैंटिलीवर से क्यूब, अब भाई इसी को मैंने यूज कर लेना है यहाँ, भाई तू ही आ जाए यहाँ पे, और ई आई तो मेरा स्टैंडर्ड है ही है, समझ आया, मैंने क्या करा, थ्री था क्यूब से, क्यूट से क्या याद रखा, थ्री, थ्री को ही मैंने यहाँ नीचे ले गया अपॉन ई आई। अब आपको हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हो पहले ये आपका फिक्स कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, जैसे आप यूडीएल लगाओगे ना 1 डिग्री हायर जाते हो हमेशा, जब भी अगला लोड यूवीएल लगाओगे एक एक डिग्री हायर जाते रहते हो, 1 डिग्री हायर का मतलब क्या होता है भी, एक चीज आप और बढ़ाओगे तो अगला केस क्या हो गया, तभी तो आप देखते हो ना उसके जो डायग्राम्स होते हैं, जैसे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा होता है, सॉरी ऐसा होगा, ठीक है स्ट्रेट जाता है, बट जैसी मैं इसका क्या करूंगा यूडीएल लगा दूंगा तो इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम थोड़ा सा कर्व जाएगा, ऐसा कर्व जाएगा, कर्व का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट है ये लीनियर है, कर्व क्या हो गया 1 डिग्री हायर, तो भाई मुझे पता है अब इसमें 1 डिग्री क्या करना है, हायर करनी, 1 डिग्री हायर करूंगा क्या हो जाएगा PL/4। अब इसका लॉजिक क्या है भाई, ये तो सेम रिपीट कर दिया था, इसका क्या कर सकते हैं हम, डबल कर सकते हैं, PL/4/ATI, ठीक है जी, मैं पुराना ही लिखवा रहा हूं आपको, कुछ नया नहीं लिखवाया सर, मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखा रहा हूँ जो पेपर में आएगी, तो थ्री से क्या हो गया, थ्री, 1 डिग्री हायर करी फोर, फोर से क्या हो गया 8, क्लियर है। अब अगला केस आ गया, इसमें बताइए क्या होगा, एक यहां लिख लेता हूं और एक यहां पे बना देते हैं, अब क्या है भाई ये क्यूट वाला केस है, ये तो याद है ना कि कॉन्सेंट्रेटेड है तो मतलब क्या है, अब इस केस में क्या होगा, डब्ल्यू एल क्या होती है जी, क्यूट, ठीक है क्यूट से याद है ना क्योंकि ये चीज है, तो ये क्या होगा थ्री, भाई ये दोनों दो आपने याद कर लिया, अब ये भी मुझे यूज करना है और ये भी यूज करना है, मैंने दोनों उठा के कहां यूज कर लिए, यहां पे कर लिए 48 EI, समझ आया, मैंने ऊपर वाले दोनों केसेस यहां पे यूज कर लिए, डार्क कर देते हैं जी, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 EI, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 EI। अब
मैंने क्या कहा, इस केस से, इस केस में डिफ्लेक्शन कितनी रह जाती है, 1/ कितनी रह जाती है, 4। ठीक है, तो मैंने पूरा बड़ा फॉर्मूला 2 याद करने की जगह मैंने देखा अगर पेपर में आएगा मैं इसका 1/4 कर दूंगा, कितना रह जाएगा वैल्यू, डब्ल्यू एल थ्री एटी फोर ई आई, डब्ल्यू एल बाय सॉरी 192 कर देते हैं। अच्छा क्यूब अपॉन 192 ई आई, सॉरी 1/4 इसका कितना हो गया, 192। ठीक है जी, यहां तक क्लियर। अब आप मेरे से पूछ रहे क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, क्वेश्चन क्या आता है, आपको दे देते हैं डिफ्लेक्शन इसकी इतनी है और आपको पूछ लेते हैं अगर सिंपली स्पोटेड की जगह अगर आप कैंटिलीवर कर दोगे तो डिफ्लेक्शन कितनी होगी, तो डिफ्लेक्शन कितनी होगी, इतनी होगी। अब ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, राइट, आगे यूज करें इनको, अगला केस क्या हो गया, यूडीएल। अब यूडीएल के केस में इन तीनों वैल्यूज को कैसे, देखो मैंने इसकी वैल्यू यूज करी, फिर इसकी अपनी बनाई, इन दोनों की मिला के ये बना दी, इससे हम कुछ बना सकते हैं, तो इससे क्या बना सकते हैं, 1 डिग्री हायर है तो क्या हो गया, 4। अब ये 3 भी यूज करना है, मैंने 3 उठा के यहां लिख लिया, 4 8 की जगह क्या कर लिया, 8, और 4 का एक्स्ट्रा पार्ट क्या लगा दिया, 1 डिग्री हायर का, ये तो क्या फॉर्मूला बन गया, 5 WL4 अपॉन 384 EI। ठीक है, लॉजिक नहीं है, इसके पीछे सिर्फ हिंट्स हैं, बट पेपर में आपको बहुत बेनिफिट करते हैं, जैसे आप देखते हो ना यार ये चीज है, अच्छा ये तो हम एक एक प्लस कर रहे थे, तो आप ऑप्शन निकाल लेते हो। हाँ जी अभिषेक जी, हो जाएगा। अब देखिए अगर ये केस ऐसा आ जाए तो क्या होगा, तो 1/5, तो WL4 अपॉन 384 EI, WL4 अपॉन 384 EI। ठीक है, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर लेंथ हाफ हो जाएगी या डबल हो जाएगी तो डिफ्लेक्शन में क्या फर्क आएगा, तो आपको एक बार एल यूज करना पड़ता है और एक बार 2L यूज करना पड़ता है, ऐसी चीजें हो जाती है। कई बार कहते हैं लेंथ डबल हो जाएगी, ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ क्वेश्चंस के किस किस तरह के आते हैं। तो सबसे पहले से आपने मुझे बताना अगर कैंटिलीवर विद कॉन्सनट्रेटेड है तो क्या फॉर्मूला होगा, बगैर देखे बताना, PL कैंटिलीवर क्यूट से PL क्यूब अपॉन 3 EI, जैसे ही 1 डिग्री हायर होगा तो क्या होगा, UDL के केस में WL4 अपॉन 8 EI, देखना किसी ने नहीं है, सिर्फ याद करना मेमोरी, WL4 अपॉन 8 EI, वेरी गुड। अगर कॉन्सेंट्रेटेड लोड होगा और जो एंड्स है मेरे वो सिंपली स्पॉटेड है तो उस केस में क्या होगा, WL3 अपॉन 48 EI, 3 यूज करा उसके बाद 48 EI। अब अगर उसी में यूडीएल लग जाएगा तो WL5 WL4 अपॉन 384 EI, अगर दोनों एंड फिक्स्ड होगा और बीच में क्या लग रहा होगा कॉन्सेंट्रेटेड, तो WL3 अपॉन 192 EI, और अगर क्या लग रहा होगा दोनों एंड फिक्स्ड है और यूडीएल लग रहा है तो WL4 अपॉन 384 EI। हो गए यार, देखिए पेपर में मेनली ये आएंगे, बट वैसे सेफ साइड आप सारे याद करके रखिए, स्लोप भी याद करके रखिए और ये भी रखिए, वो सारे आएंगे आपको, राइट, क्लियर है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, कल से हम इसके थोड़ी और डेप्थ में जाएंगे, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, काइनामेटिक इंडिटरमिनेसी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो JDM को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए अलग सी है क्लास आज, मेरे ख्याल 2:30 बजे है ऑटो कैड की, तो वो ऑटो कैड के बारे में बताया जाएगा जो उसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। हाँ जी, सिंपली स्पोर्टेड है। हाँ जी, याद करन दा ये लिखवाया था थोनू, दूजा भी लिखवा देंगे, लिख लो।
ठीक है जी, एक केस और लिख लीजिए। सिंपली स्पोर्टेड अब इसमें कैसे लगेगा, इस तरह से लग जाएगा। W इसकी जनरली स्लो पूछी जाती है पेपर में, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में स्लो पूछी गई थी, तो लिख लीजिए वो भी। पहले मुझे बताने थीटा ए और बी सेम होंगे। देखिए बिल्कुल जी, देखिए जब ये डिस्टेंस सेम होगा तो इसका थीटा ए थीटा बी क्या होएगा, सेम होगा। चलिए, किसी को इसका वैसे आइडिया हो, ये 192 वाले से बनता है, यहां पे टर्म क्या आती है, कोई आइडिया? 192 यही, दैट इज स्लोप। मैं स्लोप लिख देता हूँ, थीटा ए और थीटा बी, किसी को भी ऑनलाइन लाइव किसी पे भी। हाँ जी, 5 काफी सही है। हाँ जी, इसकी रिफ्लेक्शन, हाँ जी ठीक कह रहे हो आप, सही है। आगे रिफ्लेक्शन इसकी लिखिए। इसको क्या बोला जाता है, ट्रायंगुलर लोड बोला जाता है। एक मिनट, मैं एग्जैक्टली देख लेता हूँ। फाइव कर दीजिएगा, डिफ्लेक्शन नहीं दे रखी है अभी, स्लोप ही दे रखी है। ठीक है जी, सही है। हो जाएंगे अभिषेक जी, सारा हो जाएंगे। सतपाल जी बिल्कुल, के सिंह जी, ठीक है जी, मेरे पास कॉमन क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे कि वो बीटेक वाले एलिजिबल करवा दीजिए। ठीक है, बीटेक वाले मैंने आपको सबको बताया, हमने एक्सटेंडेड मेल बनाई है, सब आप फॉरवर्ड कर दीजिए डिपार्टमेंट को, तो उसी से क्या बता, बगैर रिट के ही, हमारी पहली प्रेफरेंस यही है कि बगैर रिट के ही हो जाए, राइट। तो आप सबको मेल कर दीजिएगा बेटा, कि मैं आप एक बार आज ग्रुप में भी डाल दूंगा सारे, राइट। ठीक है जी, डिफ्लेक्शन भी लिख लीजिए, WL4/120 EI, WL4/120 EI। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।